अरे कृष्ण बच्चों, वेलकम बैक। और फिर मैं लेके आया हूँ क्लास 9th यूनिट 1 संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा और तीसरा क्वेश्चन। राइट, तो दूसरा क्वेश्चन आपके दूसरे दूसरा तीसरा क्वेश्चन, इसमें मैंने आपका पहला और चौथा क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में जब बेसिक फंडामेंटल आपको मैं समझा रहा था, तो बेसिक फंडामेंटल में ही पहला और चौथा क्वेश्चन मैंने कवर कर दिया था। और आज हम करने जा रहे हैं दूसरा और तीसरा क्वेश्चन, जहां पे हमारा एक्सरसाइज 1.1 आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। राइट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इन दोनों में से, यानी इन दोनों में से इसका जैसा एक क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आने ही आना है। राइट, आपके एग्जाम में आने आना होता है। तो ये क्या है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या याद करनी है, खुद भी एक परिमेय संख्या, 3/3 और 4 क्या एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसके नीचे एक मान सकते हैं परिमेय संख्या होती है। बेटा ये मत समझना कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है, यहाँ पे 3 है तो उसके नीचे एक माना जा सकता है, इसलिए 3 भी क्या है परिमेय संख्या ही है। और 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या हमें और याद करनी है, तो देखो उसका सॉल्यूशन करने का तरीका क्या होता है। राइट, तो इसमें क्या करेंगे हम, माना एक्स एक्स, इसको एक्स मान लेंगे 3, और दूसरे को क्या मान लेंगे हम, इसको क्या मान लेंगे वाई। राइट, और हमें कितनी संख्या निकालनी है, इसमें हमें 6 परिमेय संख्या निकालनी है। राइट, तो इसमें एक एन मान लेते हैं, एन क्या मान लेंगे, 6 मान लेंगे। राइट, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, जो क्वेश्चन में आपको 2 संख्या दी होगी, पहली संख्या होगी आपको आपको क्या मानना है, 3 मानना है। राइट, ये खास पहली संख्या अक्सर क्या होती है, छोटी होती है, दूसरी संख्या क्या होती है, बड़ी होती है। अभी आपको इस छोटी क्लास में आपको यही सिखाया जाएगा, बड़ी क्लास में फिर आपके लिए छोटा बड़ा कुछ भी नहीं, किसी भी तरीके का सवाल दे देगा। तो यानी ये दूसरी संख्या को क्या मानना है, वही मानना है। और एन किसे मानना है, जितनी संख्या आपको निकालने के लिए बोलता, अगर वो बोलता 5 परिमेय संख्या तो आपको एन बराबर क्या लिखना पड़ता, 5। राइट, तो अब यहाँ पे निकालना पड़ेगा आपको डी, डी का फॉर्मूला होता है वाई माइनस में एक्स एन प्लस में 1। राइट, तो यहाँ पे देखो वाई क्या आपके पास, यानी 4 माइनस में 3 और एन प्लस एन 6 प्लस में 1। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया, तो 1 और 6 प्लस 1 क्या होगा, 7 आ गया। यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/7। और हमारा काम होगा बिल्कुल आसान, आप लिखेंगे यहाँ पर सीधा, देखो यहाँ पे बस डी निकालना है, आपको डी निकालना आ गया, तो इसका मतलब फिर क्या होगा, 6 परिमेय संख्या निकालना आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो लिखना आपको आता है 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। राइट, 6 परिमेय संख्या है। राइट, तो देखो यहां पे क्या करेंगे हम, इसका फॉर्मूला है आपके पास एक्स प्लस में डी, दूसरा क्या हो जाएगा एक्स प्लस में 2d, तीसरा हो जाएगा एक्स प्लस में 3d, चौथा हो जाएगा आपके पास एक्स प्लस में 4d, और पांचवा हो जाएगा आपके आपके पास एक्स प्लस में 5d, और छठा हो जाएगा एक्स प्लस में 6d। राइट, तो देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, x x की वैल्यू क्या आपके पास, देखो x क्या आपके पास 3 प्लस में d, d क्या आपके पास 1/7, और ये क्या आपके पास फिर से वही 3 और 2d, इनके बीच में कुछ निशान, गुना का निशान है, अगर 2 और 2 और d के बीच में कोई निशान तो गुना का निशान, तो d की वैल्यू क्या है 1/7। राइट, और यहाँ पे क्या हो जाए, x की वैल्यू क्या है 3, और यहाँ पे जो 3 गुना में 1/7। राइट, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 3, और ये हो जाएगा 4 गुना में 1/7। राइट, तो यहां पर हो जाएगा आपके पास 3 और 4 गुना में 1/7, और फाइनली क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, और ये हो जाएगा 6 गुना में 1, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 5, और ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 6/6 गुना में 1/7। और अगर हम यहाँ पे देखें इसको, तो देखो यहाँ पे अगर आप कैसा लिख सकते हो आप इसे, इसे आपको क्या करना है, देखो इसके नीचे 1 मानना है और इसके एलसीएम लेना है, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो आप इसे, 3 सही 1/7 इसको लिख सकते हो, 3 सही, देखो इसको गुणा कर लो ना, 2/7। राइट, और इसको लिख सकते हो 3 सही 3/7, और इसे लिख सकते हो 3 सही 4/7, और इसे क्या लिख सकते हो 3 सही 5/7, और यहाँ लिख सकते हो 3 सही 6/7। और इसे अगर आप सॉल्व करेंगे आगे, तो देखो 7 × 7 = 21, और कितना हो गया 22/7, ये 7 × 21 = 23/7, और इस तरीके से हो जाएगा 24/7, ये हो जाएगा 25/7, और ये हो जाएगा 26/7, और ये हो जाएगा 7 × 21 और 21 और 6 क्या हो जाएगा 27/7। तो ये जो संख्या निकल कर आई है आपके पास, ये जो संख्या है वो 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या है। आपको अरे ऐसे कैसे 3 और 4 के बीच, आप कैसे कह रहे हो ये इसके बीच की है, तो देखो जांच कर सकते हो आप, सीधे सिंपल सी बात है कि देखो आपको अगर ये पता करना है कि ये इसके बीच का या 3 और 4 के बीच का, तो क्या करो इन संख्या को सॉल्व करके देख लो ना, 22/7 को हम पकड़ते हैं, तो 22/7 को हम क्या करते हैं,
22 को 7 से मैं भाग करता हूं तो 7 थी 21, बच गया एक, फिर 7 7 एकम 7 बच गया 3, फिर क्या बच गया, 0 0 डाल लेंगे तो क्या आ जाएगा 7 चौक 28। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो 3.14 इसकी वैल्यू एक्चुअल में, ये जो है आपके पास 22/7 वो क्या 3.14 है, तो 3.14 किसके, इस 3 से ज्यादा है, 3 से ज्यादा है, और 4 से क्या है, ये जो 3 ये क्या है, ये क्या है, देखो 3 से तो ज्यादा है, 3 और 4 से क्या है, कम है, 3.14 राइट। तो यानी इसी तरीके से ये जो ये संख्या है इसकी इसकी वैल्यू 3.14 है, ऐसे आप इसे भाग करेंगे, इसे आप भाग करेंगे तो ये भी क्या आएगा, 3 से ज्यादा आएगा और 4 से क्या आएगा, कम आएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो संख्याएं हैं वो 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या है राइट। तो ये परिमेय संख्या निकालने का बिल्कुल अद्भुत और अनोखा तरीका, ठीक है, अगर आप इसे पास आपको डी निकालना आना चाहिए, इसके बेसिस पे आप किसी भी सवाल का कोई सा भी परिमेय संख्या, आप किसी भी बीच की कितनी परिमेय संख्या वो कहते हैं आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा बच्चों के लिए रहता है कि देखो बटे में अगर राइट, कोई बात नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, 3/5 और 4/5 के बीच में कितनी संख्या निकालनी है, 5 परिमेय संख्या, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो 5 निकालना तो क्या करेंगे, माना इसका सॉल्यूशन क्या होगा, माना x इक्वल टू 3/5 और y क्या मानना है आपको बच्चों, 4/5 मानना है, और उसके बाद क्या मानना होता है, n मानना होता है, d निकालने की n की वैल्यू क्या होगा, कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 5, तो आपको 5 मान लेना है राइट। तब आपको निकालना पड़ेगा d, और d का जो फॉर्मूला तो y माइनस में x n प्लस में 1, तो y क्या आपके पास यहाँ पे 4/5 और ये क्या आपके पास 3/5 और बटे क्या है आपके पास यहाँ पर 5 n प्लस में, यानी 5 प्लस में 1 राइट। तो अब इसे सॉल्व करो ना, सॉल्व करने से क्या है, देखो 5 आ गया, 4 में से 1 क्या, इसको आगे यही सॉल्व कर लेते इधर की तरफ, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, इसको सॉल्व करने से क्या है, 5 एलसीएम आ गया आपके पास, और ये क्या 4 - 3, और नीचे क्या होगा 5 + 6 हो गया राइट। तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 मान के चलना है, तो ये होगा 4 में से 1/5, और ये क्या हो जाएगा, ये अल्टीमेट देखो तो क्या होगा 6/1। तो देखो जब 4 से बटे में आती है ए बी सी डी, तो क्या होता है जो शुरू का पोर्शन होता है ना वो ये वाला, उसको ऐसे लिख देते हैं, और गुणा में क्या होता है जो नीचे वाला ऊपर चला जाता है 1/6, तो अल्टीमेट क्या होगा 1/30 निकल के आ गया आपके पास, 1/30 निकल के आ गया राइट। तो यहाँ पे जो डी की वैल्यू है आपके पास क्या है, यहाँ पे डी की वैल्यू क्या निकल के आया, 1/30, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लिखने आते हैं 3/5 और 4/5 के बीच, 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या, और ये परिमेय संख्या है, कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सही, आप सही सोच रहे हो, बिल्कुल इस तरीके से आपको लिखना है, x प्लस में डी, यानी क्या हो जाएगा ये x प्लस में डी, x प्लस में 2d, यह हो जाएगा x प्लस में 3d, और ये हो जाएगा x प्लस में 4d, और ये हो जाएगा x प्लस में 5d राइट। तो यहाँ पे हम अगर हम इसको बात करें, x की वैल्यू देखो क्या है, x की वैल्यू है क्या, ये x की वैल्यू स्टार्टिंग में जो लिखा पड़ा है, ये x की, ये x होता है, इसको हम क्या बोलते हैं y, तो ये हो जाएगा 3/5, और t की वैल्यू निकल के आया 1/30 राइट, ब्रैकेट बंद, 3/5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 1/30, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/5, और ये हो जाएगा 3 × 1/30 राइट, और फिर क्या हो जाएगा 3/5, और ये हो जाएगा 4 × 1/30, एक संख्या और रह गई यहाँ पे राइट। तो यहाँ पे मैं यही लिख देता हूँ उसको, 3/5 प्लस में 5 × 1/30 राइट, ये हमारे पास ये पांचवी संख्या है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करें हम इसको, यहाँ पर 3/5 प्लस में 1/30 होगा राइट, और ये क्या हो जाएगा देखो 3/5, और इसे मैं गुणा कर दूँ तो 2/30, और ऐसे ही अगर मैं ऐसे करूँ 3/5, तो ये हो जाएगा 3/30, गुना करने से 3 × 1/30 3/30 हो जाएगा, और मैं यहाँ 3/5 प्लस में क्या हो जाएगा 4/30, और ऐसे ही फाइनल 3/5, और ये हो जाएगा 5/30 राइट। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, इसका यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया 30, एलसीएम आगे मेरे पास 5 और 30 का एलसीएम 30 होता है, तो 5 × 6 30 यानी 6 × 3 = 18, और 30 × 1 = 30 ये हो गया 1 राइट, और ये हो गया आपके पास फिर से 30, एलसीएम आगे आपके पास 5 × 30 तो 6 × 18 प्लस में 2, और यह हो जाएगा इसी तरीके से आप इसी पैटर्न में आगे बढ़ते रहोगे, ये हो जाएगा 3/30 एलसीएम लेने के बाद, और यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद हो जाएगा 18 + 4 राइट, और इसी पैटर्न में आपके पास 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 + में क्या हो जाएगा 5 राइट। तो हमारे पास क्या हो गया 19/30, ये हो जाएगा 20/30, और ये हो जाएगा 21/30, ये हो जाएगा 22/30, और ये 23/30, ये सारी संख्याएं जो ये पांच संख्या निकल के है वो सारी संख्याएं
3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5 के बीच में क्या करता है, लाई करता है, इसके बीच में ही आता है। अगर आप 19/30 से 19/30 को अगर आप भाग करेंगे और पॉइंट की वैल्यू में लाएंगे तो आप देखोगे कि वो 3/5 और 4/5 के बीच में ही आता है। और इस तरीके से हम निकालते हैं परिमेय संख्याओं के बीच 5, 4, 3 कितने परिमेय संख्या बोलते हैं, इस तरीके से हमें निकाला जाता है, राइट। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया, ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल पक्का फिक्स है, राइट। थैंक यू।